Today we are going to start with the topic that is wasteland. Wasteland. In chapter 6. Till wasteland reclamation we have completed in last class. Now we are going to start with wastelands. So what do you understand by the term called wasteland? Wastelands are the land which are unproductive, unfit for cultivation, unfit for grazing, and not good for other economic uses. So wasteland ऐसा land है जो कि unproductive है, मतलब उसमें हम cultivation नहीं कर सकते हैं, crop को grow नहीं कर सकते हैं, ओके, एग्रीकल्चरल पर्पस से नहीं है. नेक्स्ट आता है कि अनफिट है फॉर गेजिंग, मतलब कोई भी जो एनिमल है वो गेज नहीं कर सकता, मीन्स चर नहीं सकता है. कोई ग्रीन ग्रास, इवन ग्रासेस आर नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, अनफिट फॉर गेजिंग एंड नॉट गुड फॉर अदर इकोनॉमिक यूजेस. और ये बाकी अदर देन दिस बाकी इकोनॉमिक यूजेस के लिए भी ये सही नहीं है. ओके, सो दिस टाइप्स ऑफ लैंड्स आर कॉल्ड वेस्ट लैंड्स. नेक्स्ट, द लैंड विच आर वाटर लॉक फिल्ड विथ वाटर एंड सलाइन आर ऑल्सो टर्म्ड एज वेस्ट लैंड. अब इसके साथ साथ जैसे कि हमने देखा कि जो लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन है ना, जहाँ पे कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ उगा नहीं सकते हैं, या फिर इवन जो एनिमल्स है उनके लिए भी वो लैंड फिट नहीं है, उसको हम वेस्टलैंड कहते हैं. इसके अलावा अगर कोई ऐसा लैंड है जिसमें कि हम फर्दर वो नहीं कर सकते कुछ भी, मतलब जैसे सलाइन वाटर एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है, या फिर पानी जमा है जहाँ पे, जो जो जमीन पानी से फिल्ड है, ऐसे लैंड को भी हम क्या कहते हैं, वेस्ट लैंड कहते हैं, क्योंकि उसमें हम फिर कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते हैं. ओके, आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगा. आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन. तो जैसे सलाइन वाटर जहाँ पे जमा है, जैसे जब जिस लैंड पे सलाइन वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है या फिर वाटर फील्ड है, पानी भरा हुआ है, तो वो भी वेस्ट लैंड में ही आता है. द लॉस ऑफ फर्टिलिटी फॉलोड बाय इरोजन आल्सो लीड टू द कन्वर्जन ऑफ मार्जिनल फॉरेस्ट लैंड इनटू वेस्ट लैंड. जैसे कोई द लैंड्स व्हिच हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, ठीक है, अपनी फर्टिलिटी लॉस्ट कर ली, मतलब फर्टाइल नहीं रहा अब, और सॉइल इरोजन हो रहा है ना. और जैसे पहले कुछ मार्जिनल फॉरेस्ट था, मतलब कुछ हद तक फॉरेस्ट था, थोड़ा बहुत फॉरेस्ट था, अब वो भी खत्म होता जा रहा है और कन्वर्ट हो रहा है वेस्ट लैंड में, तो ये भी वेस्ट लैंड में ही आएगा. नाउ देयर कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट लैंड. अब हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, अगर हमें क्लासिफाई करना है वेस्ट लैंड को तो हम कैसे करेंगे, तो दिस वी विल सी. तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है, द वेस्ट लैंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो वेस्ट लैंड को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, वर्डन एंड अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड एंड कल्टिवेबल वेस्ट लैंड. मतलब एक तो ऐसा है जिसमें कोई चीज उग ही नहीं सकती है, तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाता है, दैट इज बर्डन, सॉरी बैरन एंड अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड हो जाता है वो. और दूसरा आता है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, मतलब हम उसमें कल्टिवेशन कर सकते हैं, यू नो क्रॉप्स लगा सकते हैं, बट स्टिल वो वेस्ट लैंड है क्योंकि लगा नहीं रहे कुछ, हम उसको यूज नहीं कर, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. ओके, सो दिस कम्स अंडर कल्टिवेबल. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं, बैरन एंड अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड. दीज लैंड्स कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन और इकोनॉमिक यूज एक्सेप्ट एट ए हाई
at a very high cost, whether they exist in isolated pockets or within cultivated holdings. They are mostly lands such as hilly slopes, rocky exposures, stony or leashed or gully land, sandy desert. तो मतलब ऐसे लैंड्स जहाँ पे हम कुछ कल्टिवेट नहीं कर सकते और अगर और उसको हम दूसरे किसी यूज में भी नहीं ला सकते, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं, दूसरे किसी और पर्पस इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी नहीं ला सकते यूज में, ठीक है. अगर हमको इकोनॉमिक पर्पस में के यूज में भी लाना है तो उसके लिए हमको बहुत हाई कॉस्ट पे करना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए या फिर उसको उस स्टेट तक ले जाने के लिए. तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे हिली एरिया है जहाँ पे स्लोप्स होते हैं, स्लोप है ओके, स्लोपी एरिया है, हिली रीजन में स्लोपी एरिया है, तो वो भी हो सकता है कि वहाँ कोई कल्टिवेशन ही ना हो और आप किसी और पर्पस के लिए भी उस लैंड को यूज नहीं कर सकते, तो वो बहुत रिस्की है और उसको अगर आप किसी और पर्पस के लिए यूजफुल बनाना भी चाहो तो आपका हमारा जो खुद का या फिर गवर्नमेंट का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा, जितना बेनिफिट होना उससे ज्यादा अमाउंट लग जाएगा. ओके, देन कम्स रॉकी एक्सपोजर्स, ऐसे जगह जहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर है या रॉक्स हैं, ओनली मतलब सॉइल है ही नहीं, रॉकी हिल्स है, ऐसा कुछ है. ओके, स्टोनी और लीस्ड, मतलब ऐसा एरिया जहाँ स्टोनी एरिया है, पत्थर ही पत्थर है और लीस्ड है, मतलब वॉश्ड आउट एरिया है, मतलब पानी में जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स थे सबको वॉश आउट कर दिया. ओके, ड्यूरी लैंड सैंडी डेजर्ट, ओके, उस ऐसा एरिया है जहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट है. तो दीज आर बैरन एंड अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड. नेक्स्ट इज कल्टिवेबल वेस्टलैंड, दीज लैंड्स आर नॉट कल्टिवेटेड फॉर 5 years और मोर, इट कंसिस्ट ऑफ लैंड्स अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन बट नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन. ऐसे एरिया जहाँ पे हम अराउंड 5 years या 5 years से ज्यादा हो गया है, मोर देन 5 years, इट इज नॉट यूज फॉर कल्टिवेशन, nobody has cultivated anything on it, is termed as cultivable wasteland. मतलब ऐसा लैंड जिसमें हम कल्टिवेशन कर सकते हैं, जिसमें हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं बट किया नहीं है, हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ मतलब कुछ और रीजन हो सकते हैं, ये ह्यूमन रीजन हो सकते हैं. जैसे आप देखेंगे पहाड़ों में क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द हिली एरियाज व्हाट पीपल डू, बिकॉज देयर इज नो एनी यू नो मींस ऑफ अर्निंग, सो दे माइग्रेट फ्रॉम देयर नेटिव प्लेसेस टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड टाउन्स सो दैट दे कुड अर्न अ लाइवलीहुड. एंड व्हाई माइग्रेशन, इन द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन व्हाट हैपेंस, द लैंड व्हिच आर which on which they are doing farming and other things, now they are kept likewise, so use hi nahi hota hai. So iska matlab ye nahi hai ki ab wo upjau zameen nahi rahi hai, iska matlab ye hai ki usko use nahi kiya ja raha hai. Okay, so now we will see the types of wasteland, kitne type ke wasteland hote hain. Ulis or ravines, narrow valley, theek hai, मतलब जैसे सैंडी डेजर्ट वगैरह हो गए या फिर ऐसे वैली जो नैरो वैली है, मतलब जहाँ जगह ही नहीं है, मतलब वैली है बट नैरो है, बहुत छोटा सा नैरो वैली है, तो उसमें ऑब्वियस है कि लोग रह रहे हैं तो इतना लैंड ही नहीं है कि आप उसमें कुछ कल्टीवेशन कर सको. ओके, तो ऐसे ऐसे लैंड भी वेस्ट लैंड के टाइप में आ जाते हैं. अपलैंड विथ और विदाउट श्रब, abandoned tree, ऐसा मतलब अपलैंड ऐसा ऊंचा एरिया है जहाँ पे कि श्रब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं और वो छोड़ दिया है, ठीक है, उसको छोड़ दिया है. मोस्ट ऑफ द इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, ऑल मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम एरिया ऑफ यू नो हिली एरियाज, वाटर लॉक एंड मैशी लैंड, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे कि पानी भरा हुआ है, पानी जमा हो गया है या फिर पूरा कीचड़ हो चुका है, मैशी एरिया है, तो वो भी वेस्ट लैंड में ही आता है. लैंड्स अफेक्टेड बाय सैलिनिटी, एल्कलिनिटी इन कोस्टल एंड
inland areas, ऐसे lands जहाँ पे क्या हो गया, saline water accumulate हो गया है और alkaline हो गया है, वहाँ का जो soil है उसका nature भी क्या हो गया, alkaline हो गया है. ज्यादातर आप ऐसे एरिया देखोगे जो कोस्टल एरियाज होते हैं, ओके, सी और ओशन के जो कोस्टल एरियाज होते हैं आर हैविंग दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. तो ये भी वेस्ट लैंड ही है क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता है. लैंड अंडर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ऐसे लैंड जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है तो भी वेस्ट लैंड में ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अंडर यूटिलाइज डिग्रेडेड नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड, मतलब ऐसे लैंड जिसका हम अच्छी तरह से यूज नहीं कर रहे हैं, यू नो, वेरी बहुत रिसोर्सफुल एरियाज है बट हम लोग उसका अच्छे से यूज नहीं कर रहे, उसका अच्छे से रिसोर्सेस नहीं ले रहे, तो यू नो वो भी वेस्ट लैंड में ही आ जाता है. डिग्रेडेड लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप्स, मतलब क्रॉप प्लांटेशन हो रहा है बट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर वेस्ट लैंड. शिफ्टिंग सैंड्स, मतलब जो आप अगर डेजर्ट एरिया में जाओगे तो आप देखोगे सैंड्स जो है वो शिफ्ट होता रहता है बिकॉज ऑफ यू नो हैवी विंड ब्लोइंग, बहुत तेज से विंड ब्लोइंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि सैंड शिफ्ट होता रहता है. ये या फिर कोस्टल एरिया में होता है या डेजर्ट एरिया में होता है. इसमें भी क्या होता है कि वो ऐसा एरिया जहाँ पे सैंड शिफ्ट हो रहा है कंटिन्यूसली, इट मीन्स वो क्या है, डेजर्ट एरिया. और डेजर्ट एरिया क्या होगा, वहाँ पे कुछ उगता नहीं है. ओके, माइनिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड, अगर माइनिंग कर दिया है, ओके, और ड्यू टू माइनिंग और ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन लैंड वेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाता है. बैरन रॉकी स्टोनी वेस्ट शीट रॉक एरियाज, ऐसे जहाँ पे रॉकी एरिया है, स्टोनी एरियाज है, ये भी वेस्ट लैंड में ही आते हैं. स्टेप स्लोपिंग एरियाज, मतलब जैसे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर के हैं, स्टेप्स लाइक स्ट्रक्चर्ड एरियाज हैं, उसमें भी कल्टिवेशन इज वेरी टफ. एंड फॉर अदर पर्पज ऑल्सो दिस लैंड इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ यू नो वेस्ट लैंड. स्नो कवर्ड और ग्लेशियर एरिया, जहाँ पे स्नो है बहुत ज़्यादा या फिर ग्लेशियर वाला रीजन है, एरिया है, तो वो भी क्या है, वेस्ट लैंड है. क्योंकि ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट कल्टिवेशन इज नॉट पॉसिबल. And you know, for other economic purpose also, their weather condition is not that much suitable. Causes of wasteland formation, क्या कारण होते हैं कि wasteland बन जाता है? Over exploitation of natural resources, जब हम जरूरत से ज्यादा natural resources का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो wasteland में convert हो जाता है. इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वेस्टेजेस, इंडस्ट्रियल एरिया का वेस्ट है या सीवेज वेस्ट है, ये भी क्या करता है, वेस्ट लैंड बना देता है. जहाँ पे भी ये इंडस्ट्रियल वेस्ट को फेंका जा रहा है इंडस्ट्री से, सीवेज के थ्रू आ रहा है कोई भी गंदगी जिस भी एरिया में, वो क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो जाता है, वो डीफर्टाइल लैंड हो जाता है. ठीक है, और वो खराब हो जाता है due to soil erosion, deforestation, water logging, salinity, etc. Soil erosion की वजह से wasteland बन सकता है, deforestation की वजह से बन सकता है, water logging, पानी जमा हो जा रहा है उसकी वजह से हो सकता है, salinity, मतलब coastal area में जहाँ पे नमकीन पानी है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से भी हो सकता है. Mining activities destroy the forest and cultivable land. जो माइनिंग एक्टिविटीज है, जो जो माइनिंग की एक्टिविटीज होती है, वो भी हमारे उपजाऊ जगह को, जमीन को या फिर फॉरेस्ट को खराब कर देती है. नाउ देयर कम्स अ टर्म कॉल्ड रिक्लेमेशन. रिक्लेमेशन, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग लैंड रिक्लेमेशन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्लेमेशन. रिक्लेमेशन मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ डेजर्ट एंड मार्श और अदर वेस्ट लैंड suitable for cultivation. तो reclamation का मतलब क्या होता है, reclaim करना, फिर से वो सही करना. ओके, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, reclamation में आता है desert area को conserve करना है ना,
डेजर्ट और ज्यादा नहीं फैलना चाहिए, मतलब और ज्यादा एरिया में ऑक्यूपाई नहीं होना चाहिए, या और ज्यादा एरिया जो है हमारा वो डेजर्ट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। वेस्ट लैंड को कंजर्व करना है, उसको कल्टिवेटिव कल्टिवेबल में कल्टिवेशन पर्पज में यूज करना है और कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट करना, इज कॉल्ड एज रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन यूजली नोन एज रिक्लेमेशन एंड ऑल्सो नोन एज लैंड फिल, नॉट टू बी कन्फ्यूज विद अ लैंड फिल। इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू लैंड फ्रॉम एन ओशन, रिवर बेड और लेक बेड, द लैंड रिक्लेम्ड इज नोन एज रिक्लेमेशन ग्राउंड और लैंड फिल। तो लैंड रिक्लेमेशन मतलब कहता है ऐसे एरिया जो कि यूज में नहीं आ रहे उनको यूज में लाना, उनको वेस्ट लैंड में कन्वर्ट ना होने देना। जैसे ओशन से हम नया कल्टिवेट, नया क्रिएटिंग लैंड को बनाना, रिवर बेड और लेक बेड में फॉर्म करना, लैंड रिक्लेमेशन में मतलब जैसे ग्राउंड जो जमीन खराब हो गई उसको फिर से उपजाऊ बनाना, और जैसे जहाँ हम कूड़ा फेंकते हैं उसको लैंडफिल करने का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन। नाउ वी विल मूव टू कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज वेस्ट प्रोडक्ट। अ वेस्ट प्रोडक्ट इज एन अनसुइटेबल और अनवांटेड सब्सटेंस और मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग और एज अ रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म और मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? एक अनस्टेबल और अनवांटेड सब्सटेंस है, कोई भी चीज या फिर मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग और एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी एक प्रोसेस चल रहा है, या तो उसके बीचों बीच कोई प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है या उसके बनने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। ओके, नाउ हियर कम्स नेक्स्ट टर्म इज कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म, द डेफिनेशन कंज्यूमरिज्म इज द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पूल बाय बायर्स और एन ऑब्सेशन विद बाइंग मटेरियल्स, गुड्स और आइटम्स। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कि जैसे जो लोग कुछ भी सामान परचेज करे, जो इंसान परचेज कर रहा है वो क्या है, कंज्यूमर है ना, और जो बेच रहा है वो सेलर है। उनके कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना रिगार्डिंग उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, और जैसे किसी प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ जनरल पूल ऑफ द बायर्स, जो लोग परचेज कर रहे हैं ना उनका राइट्स को सेफ गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना और उनके मतलब इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना कंज्यूमरिज्म आ जाता है। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज एंड यूजेस गुड्स एंड सर्विस। एक कंज्यूमर एक ऐसा इंसान है जो कि सब चीजों को खरीदता है और उनका यूज करता है। मतलब आप अगर देखो कि जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी है, जिससे कंज्यूमरिज्म इसमें नहीं है, दूसरे सोसाइटीज में मतलब एनिमल्स के अंदर भी है, ठीक है, कि कोई एक्सचेंज में ही वो लोग भी सरवाइव कर रहे हैं। बेसिकली कंज्यूमरिज्म जो है कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा जो प्रोडक्ट्स है, जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना, उनको कंज्यूम करना, उनका इस्तेमाल करना इज टर्म्ड एज कंज्यूमरिज्म।
पहले क्या होता था कि लोग कम से कम चीजों का इस्तेमाल करते थे, ओके, दे वर यूजिंग लेस थिंग्स, बट नाउ जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स है क्या है, बढ़ते जा रहे हैं और उनके डिमांड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, मीन्स दे वॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स. आज का जो अगर अभी के आप टाइम देखें तो 20% लोग हैं, अगर 20% जो हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में रिच लोग, आउट ऑफ 100% ऑफ द पॉपुलेशन 20% लोग रिच कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो उसमें से जितने भी वर्ल्ड का जो रिसोर्सेस है, वर्ल्ड के रिसोर्सेस है, 86% तो ये लोग यूज कर लेते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम टाइम्स अगर आप 86% रिसोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर रहे हो तो क्या होगा, इट वॉज नॉट नेसेसरी और नॉट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, बट स्टिल यू आर यूजिंग बिकॉज यू हैव द मनी और यू हैव द अमाउंट टू पे. अब इससे क्या था, वेस्टेज बहुत ज्यादा होने लगा. पहले लोग वेस्टेज बहुत कम करते थे, जो जरूरत है बेस्ड ऑन देयर नीड्स दे वेर परफॉर्मिंग देयर एक्ट, बट नाउ because somebody has money they will explore, they just want to explore, they want to experience new things, but nature ke hisab se this is an inequality, hai na. nature ne jo bhi cheez, natural resources ya nature ne jo bhi resource hamare liye available kiya hai, that is everyone, not just for the rich people, because nature doesn't know the funda of, you know, rich and poor. Nature has provided everything which is necessary for the, you know, for a fulfilled life of an individual or a person or a human being. But what we are doing, we are those who has more money, they are exploiting these resources, they are exploiting it. कंज्यूमरिज्म के ना दो रीजन भी है, एक तो है कि ओवर पॉपुलेशन ऑफ पीपल, और दूसरा रीजन है क्यों कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है, क्यों कंज्यूमर्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं. उसका दो रीजन है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, और उसमें भी जो कंज्यूमर्स हैं उनका पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है. ओके, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एक सबसे बड़ा रीजन उसके अलावा है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट यू नो दिस कंज्यूमरिज्म का इफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट पे. पोल्यूशन इज अ सीरियस प्रॉब्लम टुडे ड्यू टू ह्यूज कंज्यूमर डिमांड, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन एंड पोल्यूशन आर द टू मेन इफेक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म ऑन द एनवायरनमेंट. ओके, तो मतलब पोल्यूशन जो रेज हो रहा है वो एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है आज के टाइम में, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पोल्यूशन दो मेन रीजन है जो कि हमारे कंज्यूमरिज्म ऑन द एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं. हाई, यू नो, हाई रेट ऑफ कंजम्पशन, अगर हम हाई रेट ऑफ कंजम्पशन कर रहे हैं, कोई भी चीज का यूज हम ज्यादा कर रहे हैं, और पॉपुलेशन में भी, और जो उसका जो यू नो प्रोडक्शन ऑफ गुड है वो भी ज्यादा हो रहा है, तो फिर
कोई इशू नहीं है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ मटेरियलिज्म, मतलब ज्यादा ही मटेरियलिस्टिक होना क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए. ओके, तो इससे क्या होता है, अगर हम एक्सेसिव मटेरियलिस्टिक हैं, मटेरियलिज्म है हमारे अंदर, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा एनवायरमेंट है. यस, इज एनीवन इज सेइंग समथिंग? कोई डाउट है? ओके, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कंज्यूमरिज्म के लिए वो ये है कि अभी जो हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन है वो इंक्रीज, ट्रेमेंडियसली इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना ज्यादा किसी भी चीज, किसी भी रिसोर्स को यू नो एग्जॉशन तक यूज करना इज हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट. जैसे कंज्यूमरिज्म का एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. फर्स्ट इफेक्ट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है. ओके, सेकेंड इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब जरूरत नहीं है फिर भी यूज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है तो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं हम रिसोर्सेज को. ठीक है, एनवायरमेंटल डंपिंग बाय डेवलप्ड कंट्रीज, एनवायरमेंट को खराब करना. जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है, जितनी भी कंट्रीज डेवलप्ड हो चुके हैं, बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड ना, पीपल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज डू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड टू एक्सपेंड. सो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो लोग रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो एनवायरमेंट खराब कर रही है, एक्सेसिव यूज करके एनवायरमेंट को खराब कर रही है. ओके, पोल्यूशन बाय द यूज ऑफ फ्यूल्स, जो फ्यूल है वो उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और वी कैन से कंज्यूमरिज्म. तो आई गेस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है. तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड टू टॉपिक्स, दैट इज वेस्टलैंड्स. वेस्टलैंड में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन देखा वेस्टलैंड का, तो कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बैरन एंड अनकल्टिवेटेड कल्टिवेबल वेस्टलैंड, एंड सेकेंड इज कल्टिवेबल वेस्टलैंड. अब टाइप्स ऑफ वेस्टलैंड भी देखे हमने, कॉजेस क्या होता है वेस्टलैंड के फॉर्मेशन का, क्या कारण होता है कि वेस्टलैंड बन जाता है वो देखा हमने. हमने देखा लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है, इसके बाद रिक्लेमेशन क्या होता है ना, कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है. कौन कौन सी कंडीशन है जो कंज्यूमरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पहला हो गया ओवर पॉपुलेशन ऑफ पीपल एंड दूसरा हो गया ओवर पॉपुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स. पहले तो लोग ज्यादा है, उसके ऊपर से यूज करने वाले लोग भी ज्यादा है. ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट्स, मतलब जो कंज्यूमरिज्म है, जो हम यूज कर रहे हैं चीजों को, नेचुरल रिसोर्सेज को, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका असर क्या होगा हमारे एनवायरमेंट में. तो पहला इफेक्ट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट खराब होता जाएगा है ना, एक्सप्लॉइट होता जाएगा. एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का जरूरत से ज्यादा यूज होना, जरूरत नहीं है फिर भी यूज करना. एनवायरमेंटल डंपिंग बाय डेवलप्ड कंट्रीज, एनवायरमेंट को खराब करना बाय डेवलप्ड कंट्रीज. पोल्यूशन बाय द यूज ऑफ फ्यूल्स, पोल्यूशन का होना क्योंकि हम फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेसिव फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स विच वी हैव कम्प्लीटेड टूडे. And on next class, we will study Environmental Protection Act. It is very important, Environmental Protection Act. Iske objectives dekhenge, important features dekhenge. Theek hai? Air ko prevent karne ke liye kya act hai India mein? Ye bhi dekhenge. Kaun kaun si penalties lagengi? Water ke liye kya act hai?
लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखेंगे, ऐसे कर करके हम लोग। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1981 ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये दो चीजें देखेंगे। एवरीडे वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट टू और थ्री टॉपिक्स, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड टू टॉपिक्स, टुमारो वी विल ट्राई टू कंप्लीट टू टॉपिक्स ऑल्सो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स।